नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, बहुत से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुंबई और अहमदाबाद से हैं और उन्होंने पर्सनली मेल करके भी बोला कि अलग से वीडियो बनाइए मुंबई और अहमदाबाद का, और कमेंट तो वो करके बोले ही हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुंबई और अहमदाबाद के बारे में पूरी पूरी जानकारी देंगे, कटअप के साथ कुछ बातें भी बताएंगे, जरूरी बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि रेलवे परीक्षा की पल पल की अपडेट के साथ स्टडी मटेरियल आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स मुंबई जोन की, फिर अहमदाबाद के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मुंबई जोन में जो इस बार टोटल वैकेंसी है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4625 टोटल वैकेंसी है, ठीक है, मुंबई में। और लगभग कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है फ्रेंड्स, तो 16 लाख बच्चे हैं करीब मुंबई में, जो कि अच्छे खासे बच्चे हैं, 16 लाख कम नहीं होता है। और फ्रेंड्स, जो ये पूछते हो कि कहाँ से ये डेटा मिला, तो ये अनुमानित है फ्रेंड्स कि लगभग 16 लाख बच्चे मुंबई जोन से है। तो जिस टाइम आपकी वैकेंसी आई थी, बहुत से न्यूज़पेपर्स में ये डेटा आ चुका है कि किस जोन से कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। यूट्यूब में भी बहुत सी वीडियो ऐसी आपको मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि किस जोन से कितने बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अनुसार जो एक पोस्ट पे बच्चे हैं, एक पोस्ट पे स्टूडेंट है, वो करीब 346 बच्चे के आसपास है, एक सीट के लिए 346 बच्चे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, यह नोट करने वाली बात है कि अगर 60% अटेंडेंस रहा, और 60% ही अटेंडेंस रह रहा है, तो फ्रेंड्स ये कम हो जाएगा। जितने बच्चे आप देख पा रहे हो 16 लाख, ये कम हो जाएगा, और एक पोस्ट के लिए 346 का जो डेटा दिख रहा है ये भी कम हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो कटअप बता रहे हैं वो 346 बच्चों पे ही बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको रॉ मार्क्स भी बता रहे हैं और एप्टन नॉर्मलाइज भी बता रहे हैं। तो देखिए, मुंबई जोन का जो कटअप इस बार निकल के आ रहा है, कटअप बताने से पहले कुछ बातें बता दें फ्रेंड्स कि मुंबई जो है ये टॉप 5 जोन के अंदर में आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत से बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि मैं मुंबई में जाके जॉब करूं। हर एक स्टेट के, इंडिया के हर एक स्टेट के बच्चे मुंबई में होते हैं, मुंबई से अप्लाई करते हैं और वहां पे जॉब करना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं, और जिनका प्रिपरेशन थोड़ा नीचे रहता है वो बच्चे भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कटअप फ्रेंड्स बता रहे हैं। देखिए, रॉ मार्क्स मतलब आपने जो बना के आया है अभी कटअप, जनरल कैटेगरी कराने का चांसेस है 59 से 64, ठीक है, 59 से 64। अगर आपका 55 भी बन रहा है फ्रेंड्स, इससे अगर जितना बता रहे हैं उससे अगर 4 से 5 नंबर कम भी है, तो भी अपना फिजिकल की तैयारी करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और एप्टन नॉर्मलाइज होने के बाद यही मार्क्स आपका 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपका नॉर्मलाइज पे ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मलाइज होने के बाद आपका 65 से 75 तक आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। जिनका शिफ्ट जितना हार्ड था उनको उतना ज़्यादा जो है नॉर्मलाइज का फायदा मिलेगा, अगर आपने अच्छी खासी एक्यूरेसी रखी है तो, ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिया है तो। जो ज़्यादा एक्यूरेसी रखा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा फ्रेंड्स नॉर्मलाइज का, ठीक है, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो। अब ओबीसी वालों का देख लेते हैं। तो देखिए, ओबीसी वाले बच्चों का 54 से 58 रहेगा ओबीसी वालों का, और नॉर्मलाइज होने के बाद यही मार्क्स जो है आपका 64 से 68 तक आ जाएगा फ्रेंड्स, या 70 तक भी जा सकता है अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो। एससी वालों बच्चों का 49 से 54, और नॉर्मलाइज होने के बाद यही मार्क्स जो है आपका बन के आ जाएगा 58 से 65 तक, ठीक है, 65-70 तक। और एसटी वाले बच्चों का देखिए 45 से 50, और नॉर्मलाइज होने के बाद यही मार्क्स जो है इंक्रीज हो के आपका बन के आ जाएगा 55 से 60। और पीएच और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की बात करें, तो पीएच और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों का 40 से 45, और नॉर्मलाइज होने के बाद 50 से 55, ठीक है फ्रेंड्स। इतना अगर आपका बन रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, और आपके अनुसार क्या कटअप हो सकता है आप वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखेंगे हम अहमदाबाद की। फ्रेंड्स बताना चाहेंगे, अगर इतना मार्क्स आप लोगों का बन रहा है तो प्लीज फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, इससे अगर 5-7 नंबर कम भी बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कटअप कम रहेगा, अटेंडेंस 60% रह रहा है। अब देखते हैं अहमदाबाद जोन की। तो देखिए, अहमदाबाद में जो है अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार, 6087 टोटल वैकेंसी है, और करीब 17 से 18 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो वहाँ पे आपने देख लिया कि करीब 4500 सीट है मुंबई में,
और 17 लाख 16 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और यहाँ पे 6087 वैकेंसी है और अनुमानित है कि 17 से 18 लाख बच्चे ही हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से कम है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे कट ऑफ उससे कम रहने का चांसेस है जहाँ तक हमें लगता है। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पोस्ट के लिए करीब 242 बच्चे हैं, ठीक है, एक पोस्ट के लिए करीब 242 बच्चे हैं और यहाँ पे कितना कट ऑफ रह सकता है देख लीजिए। तो फ्रेंड्स एक बात बताएंगे वीडियो के अंत में, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा, मुंबई वाले भी और अहमदाबाद वाले भी। तो देखिए यहाँ पे रॉ जो मार्क्स बन के आ रहा है अहमदाबाद जोन का वो 56 से 62, ठीक है, 56 to 62, और एफ्टर नॉर्मलाइज यही मार्क्स आपका बन के आ जाएगा 66 से 72, ठीक है, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था, आपने अच्छी खासी एक्यूरेसी रखी है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिया है तो। और ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो 54 से 58, और नॉर्मलाइज होने के बाद यही मार्क्स आपका बन के आ जाएगा 64 से 68, और एससी वाले बच्चों की बात करें तो 50 से 55, और नॉर्मलाइज होने के बाद यही मार्क्स आपका 60-65 तक आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था, आपने अच्छी खासी एक्यूरेसी रखी है तो। और एसटी वाले बच्चों की बात करें तो 45 से 50, और एफ्टर नॉर्मलाइज यही मार्क्स आपका बन के आ जाएगा 55 से 60, और पीएच और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40 से 45, और नॉर्मलाइज होने के बाद यही मार्क्स आपका बन के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 50 to 55। फ्रेंड्स ये हमारे अनुसार कट ऑफ था, अब आपके अनुसार क्या कट ऑफ लगता है आप कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब बता रहे हैं एक जरूरी बात, देखिए 60% अटेंडेंस रह रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मतलब ज्यादा चांसेस है फ्रेंड्स कि कट ऑफ कम रहेगा, जितना बताएं उससे भी कम रह सकता है यार, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहा है, आपने एग्जाम दिया है आपको पता है। तो फ्रेंड्स प्लीज फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल के लिए इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, मैं पर्सनली आपको भाई की तरह बता रहा हूँ, भाई समझ सकते हो कि आप अपना फिजिकल की तैयारी करो फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगला कटअप में किस जोन का बताऊँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल में नए आए थे तो आपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।